सच तुलसी कल्याणी। ए कल्याणी, क्या आपने हमारे माधव को देखा? कल्याणी कौन? तुलसी माता। स्कंद पुराण में तुलसी माता की महिमा का बड़ा प्यारा श्लोक आया है। तुलसी काष्ठा मालाम यो धृत्वा स्नानम समाचरे पुष्करे चा प्रयागे चा स्नानम तेन मुनीश्वर। महाराज जी, स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि जो अपने गले में तुलसी की माला कंठ में धारण करके स्नान करता है, उसको प्रयागराज तीर्थ और ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में स्नान करने का फल घर पर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाता है। ये तुलसी माता की महिमा है। इसलिए प्रत्येक हिंदुओं को गले में कंठी में तुलसी की माला पहननी चाहिए। एक दूसरा स्कंद पुराण में एक और वर्णन आया, तुलसी काष्ठ मालाम यो धृत्वा भुंग्यते दुजोत्तमः सिद्धे सिद्धै सा लभते वाजिनेधि फलम मुने। जो तुलसी की माला कंठ में धारण करके भोजन करता है, प्रसाद करता है, ऐसे व्यक्ति को एक एक निवाला पाने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक एक निवाला पाने, केवल इतना। ये स्कंद पुराण में तुलसी की महिमा गाई गई है। और पद्म पुराण तो कहता है कि अंतिम समय में जिसके कंठ में तुलसी की माला होती है, वह जीवन भर कितना भी पाप किया हो पर मरते समय अगर तुलसी की माला कंठ में है तो तत्क्षण उसके सभी पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुलसी के दर्शन मात्र से ही समस्त पाप समाप्त हो जाते। इसलिए हिंदुओं को अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा अवश्य रखना चाहिए। तुलसी का पौधा, धर्म का ध्वज, द्वार पर सीताराम लिखा हुआ, यही वैष्णव हिंदुओं के मकान की पहचान है। तो गोपियां पूछती, हे कल्याणी, क्या आपने हमारे माधव को देखा? गोपियां रोने लगी। भगवान सबके अभिमान को तोड़कर प्रकट होते हैं। चूंकि समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी ब्याह करवा दें भगवान को, है? तो कल सुदामा चरित्र है, सुदामा चरित्र की कथा कहकर और हम जो है आपसे विदा लेकर के चले जाएंगे। फिर भगवान कभी कृपा करेंगे, सुख आएंगे। जैसी भी टूटी फटी हमसे बनी कथा तो हम जानत नहीं है। अब बताओ, दो दिन में सिर्फ दो कथा हो पाई। आज अब महाराज नहीं निपट हुआ, अब कंस मनने सो अलग। बताओ, कुमारत इतने भारी कंस है इतनी जल्दी। लेकिन भगवान के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, एक ही मुख काम है, हम सारी की तेरे ही करवा देगी, कोई टेंशन नहीं है। देखो, हमारी कुछ भाषा बुंदेलखंडी है, ये मत समझना कि हम जो है अब शब्द का प्रयोग करते हैं, बुंदेली भाषा है ही ऐसी। अब ऐसे विदिशा की भी कौन विदेशी आए, आप लोग भी तो बुंदेल ही खंडी, सौ दंडी एक बुंदेल खंडी। और ऐसे आयोजन अब बहुत कम हो गए, इतने बड़े आयोजन एक ही व्यक्ति करवा पाता है। सामूहिक तो बड़े कठिन हो गए, क्योंकि बड़ी खींचातानी मनती है, मचती है, सबको लगता है कि हमारा भरनाम बोले मंच से, हम ही भरने दान दाओ। दानी भी तो बहुत विचित्र हो। एक बार विदिशा के मंच पे एक आदमी ने गुप्त दान दो, गुप्त दान, जो बोलने वाले थे उन्होंने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है, एक गुप्त दान की चेक मिली। तो लोगों ने ताली बजाई कि 1,00,000 रुपया का गुप्त दान आया है। लोग बोले, वाह वाह, बहुत अच्छा।
तो जो गुप्त दान दिए थे उन्होंने सोचा यार ऐसे तो मजा ही नहीं आया, सुबह जो बोलने वाली तो उनके पास गए, बोले उनसे कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो यहीं बैठे हैं। तो मंच संचालक महोदय ने कहा हाँ हाँ जी जी, बोले देखो भाई अभी अभी हमने जो बताया था ना गुप्त दान आया, जो गुप्त दान दिया वो यहीं पर है गुप्त दान देने वाले। आदमी ने फिर ताली बजाई, वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इन्हें और मजा ना आया, सुजी फिर गए, बोले एक काम करो ऐसा कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो मंचाई पे बैठे। अब संचालक महोदय बेचारे क्या कहें, अब 1,00,000 रुपया दिए हैं बोलना ही पड़ेगा। वो बोले हाँ हाँ सुनिए सुनिए अभी हमने बताया था जो गुप्त दान आया है वो यहीं है, वो यहीं मंच पे ही बैठे हैं, यहीं कहीं मंच पे बैठे हैं, गुप्त दान 1,00,000 रुपया। लोग फिर बोले बाबा बहुत अच्छा ताली बजाए। इन्हें फिर मजा ना आया जी, फिर गए तो बोले कह दो कि जिनने गुप्त दान दिया है वो मंच में बाएं साइड बैठे। संचालक लगो तो नाम ही बोलो वालो, बोले नहीं 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 गुप्त दान है वो, तो गुप्त दान है नाम नहीं बोलते हैं गुप्त दान में। संचालक ने कहा अभी अभी हमने जो बताया था कि गुप्त दान आया है 1,00,000 रुपए का, वो यहीं है मंच पे है और मंच में बाएं साइड में बैठे हुए हैं। लोग ताली बजाए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। इन्हें फिर मजा ना आओ तो ये फिर पहुंचे, बोले आप इतना और बोल दो कि मंच में बाएं साइड में चौथे नंबर की कुर्सी पे बैठे। मंच संचालक बड़ो खींच गाओ, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती है, ठीक है अब बोले क्या 1,00,000 रुपया दिया है। बोले ठीक है भैया भैया जो अभी हमने बताया था गुप्त दान 1,00,000 रुपए का है वो यही है पंडाल में है मंच पर है बाएं साइड है और चौथे नंबर की कुर्सी पे बैठे हैं। तो बगल वाले से ये क्या कहते हैं, देखो नाम भी नहीं बोलो गुप्त दान भी होगा आदमी जान भी गए। अब दूसरा दिन होगा तो जो चेक दी थी मैं हस्ताक्षर ही नहीं करी थी, तो वो जो मंडली थी समिति वो घर गई, वो बोले बोले आप चेक पकड़ाया है रात को इसमें दस्तखत तो हस्ताक्षर तो किए ही नहीं, बोले गुप्त दान में नाम थोड़ी लिखा जाता है। तो बोले वो तो गुप्त दान है, वाहवाही भी लूट लही और पैसा भी नहीं लगे आप, ऐसे विदिशा में भी हते कुछ है, लेकिन हनुमान जी के पास में वो भग गए और काम करने वाले मंच पर उनकी जय जयकार हो रही और हनुमान जी के द्वार पर भी जय जयकार हो रही और जिन्होंने सहयोग किया और जो यजमान बने उनके आज पूर्वज भी ऊपर बैठे बैठे जय जयकार कर रहे कि धन्य है हमारे वंश में एक ऐसा हुआ है जो भगवान की कथा सुन रहा है, है? तो, जय हो जय हो। तुम कितने आइटम अंदर कभी तुम बांसुरी ले लो कभी तुम गोपी बन जा, अब ये जगह है बड़ो रसिया है जो बाबा बुढ़ापे में भी रस नहीं गावा, ऐसे गोपी बन के नचत तो बिल्कुल ही है जो कार बजाओ गाय माता है और काका है देख लो इनको मटेरियल अच्छा हो जी, फोटो कुल प्रकार की लें जैसो भजन हो तुमसे ही फोटो लेके आ जा, चार प्रकार की फोटो आइटम है जाका है पहन लो डाल लो गले में क्या तो ब्याह में डरती माला है तुम अगर बुढ़ापे में डाल लो जो का है वो ही बजा लो तो नहीं कछु रहेगा वाह बुढ़ापे में भी दम है नहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम आपको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं जब आप ठुमका लगाते हो ना आहा आहा Thank you.
आदमी सही कहते विदिशा बहुत विचित्र है। आज हमें पता चलो कि इनके कारण है विचित्र है।